जवानी कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और तुम खालिदीन फीहा अबदा, और उसमें टाइम ये क्या कैद है, जन्नत में देयर इज नो नाइट, इट्स ऑल पार्टी टाइम। और रहमान की जो अर्श है ना, उससे एक लाइट निकलेगी जिससे पता चलेगा कि इट्स नाइट टाइम, दिन और रात, अदरवाइज इट्स ऑल गोइंग टू बी ब्राइट, इट्स ऑल गोइंग टू बी ब्राइट। इट्स नॉट जस्ट मैदान मैदान, यू नो जन्नत में लेवल्स हैं, यू नो, और लेवल्स किस तरह से है कि हम जैसे स्टार्स को देखते हैं ना, इस तरह से ऊपर वाले, ऊपर वाले लोग, और अभी नीचे हम लोग अभी नीचे नीचे की बात कर रहे हैं। इमेजिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड शुहदा और सहाबा, वो जहां पे जिस मुकाम पे होंगे। मैं वैसे अक्सर सोचता हूँ दैट वेरी मोमेंट अल्लाह ताला जब हमें अलाउ करेगा इंशाल्लाह कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जाएंगे। कैन यू इमेजिन दैट मोमेंट, मतलब थिंक फॉर अ सेकंड कि यू आर गोइंग टू मीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउ विल यू, आई मीन वी विल बी, विल वी बी एबल टू फेस हिम एक्चुअली, कैसे तैयारी करके जाएंगे, क्या द पीपल हु वी एडमायर। और अच्छा एक बात है कि क्या आप सल्लम टाइम भी देंगे, ठीक है, जन्नत में टाइम ही टाइम है, कितने लोग मिलना चाह रहे होंगे ना, और आप सल्लम सबको टाइम दे रहे होंगे, यानी just imagine you will be walking with Umar bin Khattab by the river shore aur aap dono akele walk kar rahe hain kyunki there is no end na, there is eternity, yani jab tak sab ko matlab there is no end, yeah, can you imagine there is no end, imagine nahi hota, imagine nahi hota, imagine nahi hota, hamesha hamesha ke liye aap Usman bin Affan se baithe hain ki acha aur sunaye stories kaisi thi, Ali bin Talib sath baithe hain, aap Sirin ke sath akele aap baithe hain aur aap baatein karte ja rahe hain, baatein karte ja rahe hain, and there is no one to disturb you, और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ना बड़े रऊफुर रहीम है, जब जन्नत में चलेगा ना इंसान तो आप मैरियट में चले जाएं या बुर्ज खलीफा चले जाएं, आप अगर यू नो प्रेसिडेंशियल सुइट में हैं और आपकी फैमिली अगर बेसिक रूम में है, तो अगर आप कहें ना कि यार मेरी फैमिली को मुझे इकट्ठा कर दो, दे विल नॉट शिफ्ट योर फैमिली टू प्रेसिडेंशियल सुइट, जैसे कि ओके ठीक है आप नीचे आ जाएं क्योंकि दे हैव बीन पेड फॉर इट, लेकिन जन्नत में ऊपर से नीचे लाया जाता है दुनिया में, आपको नीचे लाया जाता है मिलने के लिए, उनकी प्रेसिडेंशियल सुइट नहीं बुक की जाती, लेकिन इन जन्ना व्हाट विल हैपन इज फैमिली अगर नीचे है या कोई भी दोस्त पार्टीज नीचे करें, आई वांट टू मीट देम, और उनको ऊपर कर दिया जाता है आपके साथ। आप इस दुनिया में, ये समझाने के लिए जो है मैं बात कर रहा हूँ, आपको इस दुनिया में जो सबसे बेहतरीन आपको जो है ना पर्सनैलिटी लगती है, वो पर्सनली आपको आके सलाम करें, वल्लाही आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे यार वो उसने मुझे सलाम कहा, वहां पे अल्लाह ताला कहेंगे सलाम उन कौलम मिन रब्बिर रहीम, अल्लाह ताला आपको सलाम कहेंगे, यार कैन यू इमेजिन, अल्लाह हु अकबर, मेरा रब, क्या नाचीज है हम, मतलब आप इंजॉय भी कर रहे हैं, वाइफ साथ बैठी हुई है या प्राइवेट टाइम गुजार रहे हैं, दुनिया जहान की नेमत देख चेहरे चमक रहे हैं, दुनिया जान की नहीं जन्नत जान की, हाँ जन्नत जान की नेमत एग्जैक्टली, हमारी सोच दुनिया जान से आगे जाती है ऑफ कोर्स, और ऊपर से रब रहमान जो है सलाम उन कौलम, ये नहीं कहा तुम्हारा अल्लाह का सलाम, मैं रब रहीम, रहीम का सलाम है जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो जन्नत में उसकी नेमतों को। फॉर एग्जाम्पल आप इस दुनिया का अमीर तरीन कोई शख्स ले लें और वो आपका होस्ट है, वो अपनी शान के मुताबिक आपकी होस्टिंग करेगा, मेरे ख्याल से अगर किसी गरीब के पास जाएंगे फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला आसानी करे वो एक डिश रखेगा फॉर इंस्टेंस, अब उस बंदे के पास जाएंगे हो सकता है आपके पास बूफे लगा दे आपके सामने, ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना कि अल्लाह ताला आपके होस्ट हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, अल्लाह हू अकबर, यानी ये इंसान को समझ में आ जाए ना कि मेरा होस्ट अल्लाह ताला होंगे जन्नत में, तो ये जो है ना मोटिवेशन, ये पूरी डिस्कशन है ही इसीलिए कि हम सारे ना इसके बारे में जाने कि हमारी यहाँ तक हमें जन्नत का शौक हमारे दिलों में पैदा हो और एक वो मोटिवेशन ही मिले ताकि वो जो हम चेंज की भी बात कर रहे थे ना उस चेंज होने की मोटिवेशन हमें मिले कि यार हमने बदलना है अपनी जिंदगी में, आपको इन चीजें ऐड करनी है, कोई चीजें निकालनी है, चेंज इज इंपॉर्टेंट एंड द चेंज हैज टू हैपन, अगर आप हम जो लोग चेंज से भागते हैं ना वो बड़े सेल्फ डिफीटिंग लोग होते हैं, जो लोग पेन से भागते हैं, अगर पेन से एक माँ भागती तो मैं और आप पैदा ना होते, अगर पेन से कोई इंसान भागता मतलब कुछ भी ना होता, सो यू हैव टू टेक द स्टेप ऑफ चेंज, यू हैव टू हम्बल।